जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अंजलि नारायण नवद्वीप में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी ढोकला, तो आइए शुरुआत करते हैं। सूजी ढोकला बनाने के लिए हमने ली है 2 कप सूजी। सूजी को हमने इस कप के हिसाब से नाप के लिया है। 1 बोल दही, फ्रेश कड़ी पत्ता, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अदरक हरी मिर्च, इसे हमने कूट कर लिया है। इससे ढोकला का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सफ़ेद तिल, 1 चम्मच हमने ली है शक्कर, मस्टर्ड सीड्स, तेल, 1 सैशे हमने लिया है इनो का और नमक। सबसे पहले हम सूजी में दही डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने इसका घोल बना लिया है। घोल को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए घोल की। अब हम इसमें डालेंगे नमक, शक्कर, अदरक हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे तेल। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने सभी को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, जिससे कि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। अब हम इस तरह से एक बर्तन लेंगे, आप चाहें तो थाली भी ले सकते हैं। इसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। बर्तन को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। 15 मिनट हो गए हैं, आइए सूजी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अभी हमें घोल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, पानी को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ईनो। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ईनो डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस हल्के से मिलाना है ईनो को। अब हम घोल को ग्रीस किए हुए बर्तन में डाल देंगे। सूजी के घोल को हमने बर्तन में डालकर अच्छे से फैला लिया है। इसे हल्के से टैप कर लें आप। अब हम इस तरह से एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, इसमें हमने 1 ग्लास पानी डाल दिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे। अब हम कढ़ाई में इस तरह से एक प्लेट रखेंगे और उस पर इस बर्तन को रखेंगे। अब हम कढ़ाई को एक थाली से कवर करेंगे। इसे हमें 15 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट हो चुके हैं, आइए ढोकला चेक कर लेते हैं। अब हम इसे चाकू से या किसी भी टूथपिक से चेक करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये ढोकला तैयार है और गैस बंद करेंगे। ढोकला को हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसके पीसेस काट लेंगे। आइए तब तक इसका तड़का बना लेते हैं। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और गैस ऑन करेंगे। इस पे हम डालेंगे तेल, करीबन 2 चम्मच। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स,
अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, अब हम इसमें डालेंगे सफेद तिल। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। तड़का हमारा तैयार है, अब हम गैस बंद कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और ढोकला भी ठंडा हो चुका है। अब हम चाकू से इसे सभी तरफ से इस तरह से घुमाकर काट लेंगे। अब हम थाली से ढोकला को कवर करेंगे और इसे उल्टा करेंगे, हाथों से हल्का सा टैप करेंगे। ये देखिए, ढोकला को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम चाकू से इसके पीसेस करेंगे। ढोकला के हमने पीसेस कर लिए हैं और ये देखिए ढोकला कितना स्पॉन्जी बना है। अब हम इस पर तड़का डालेंगे। अब हम इस पर थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। हरा धनिया, ये देखिए सूजी ढोकला बनकर तैयार है। अब हम इस पर रखते एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।